हेलो एवरीवन, आज मैं देखूंगी आप दोनों की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो इस डेक को मैं करूंगी रैंडमली दो पार्ट में डिवाइड और फिर हम देखेंगे आप दोनों की आज की एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ्ट साइड में। क्या चल रही है एनर्जी? ठीक है, देखते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, डेस्टिनी, लव बिगिंस, ट्रिपल वन की एनर्जी आ चुकी है ऑलरेडी। 111 न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। 111 एंजल नंबर, 111 न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट विद योर पार्टनर। एंड नंबर 9। ओके, तो यहाँ पर आज के दिन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको उनके कार्मिक्स की तरफ से ट्रिगर मिलेगा। कार्मिक ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर हो, कार्मिक हो सकता है आपके लाइफ में आपके कोई रिलेशन में हो, कोई आपके वर्क फील्ड में हो, कोई आपके फ्रेंड्स हो, या किसी के साथ आपका पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी है और वो आपको धोखा दे दे या वो आपको कुछ अप एंड डाउन फील कराए। तो ओवर एंड ऑल आज के दिन में कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक से ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर कोई आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, तो फॉरगिव हिम या फॉरगिव हर, बिल्कुल भी पछड़े में मत पड़िए, रिलीज़ कीजिए। कुछ लोगों के लाइफ में आज कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक इमोशनल मैसेज रिसीव हो सकता है। मे बी वो आपको मिस कर रहे हों या कर रही हों और वो आपको मैसेज कर दें, साथ ही अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस कर दें आपके सामने। आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें एक्सप्रेस कर दें, लेकिन आपको वेट करना है, वो खुद आपको एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं। तो जो आप इमेजिन कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है विद इन अ वीक या विद इन अ डे। सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आज आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिल्कुल अकेले रहेंगे, या तो कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, या तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे, या तो कोई रिसर्च करेंगे, या तो अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। इवन क्राइंग की भी एनर्जी है, कुछ लोग रो सकते हैं अपने नसीब पर, अपने अकेलेपन पर रो सकते हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अपने दिल को हल्का कर लीजिए, लेकिन उसके बाद बैलेंस में रहिए। तो ये मेरे व्यूवर्स की आज की एनर्जी दिख रही है कलेक्टिव लेवल पे। आपके पार्टनर की तरफ फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है ट्रुथ, थर्ड है 6 ऑफ कप्स एंड फोर्थ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में या तो आपसे कोई सच्चाई बताएंगे, कोई ट्रुथ जो इन्होंने आपसे छुपाया है, या ये कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे या चाहती हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई सच्चाई उनके सामने आएगी, किसी की सच्चाई सामने आएगी। कुछ इस तरह की एनर्जी है, किसी का असली चेहरा उनके सामने आएगा। झगड़े हो सकते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में किसी से, बुरी तरह से किसी से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, स्पेशली विद द थर्ड पार्टी जहां वो जगल कर रहे हैं या कर रही हैं। ये सब होने के बाद जब वो लोअर एनर्जी में आएंगे तब वो आपको बुरी तरह से याद करेंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव, कंपैरिजन की एनर्जी है। इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, बिकॉज 5 से रीडिंग स्टार्ट हुई है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, और यहाँ पर इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे। उन चेंजेस से ये आपको कंपेयर करेंगे कि एक आप थे जिनकी रिस्पेक्ट इन्होंने नहीं की, जिनकी वैल्यू नहीं की, जिन्होंने इनसे अनकंडीशनल लव किया हमेशा, और जिनको इन्होंने सब कुछ चाहा, दिया, किया, उन लोगों की असलियत इनके सामने आने वाली है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी में आज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो होप फॉर द बेस्ट और पेशेंस रखिए, आपके पेशेंस का फल आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।